वेलकम माय यूट्यूब चैनल प्रो फेस क्लासेस रन बाय रोहित कुमार राजपूत। आज आप इस वीडियो में जानेंगे कि घनाकार जालकों की यूनिट सेल में परमाणु की संख्या अथवा जालक बिंदुओं की संख्या। इससे पहले वाले हम वीडियो में पढ़ के आए हैं क्रिस्टल, क्रिस्टल के सात समुदाय बताए, एक उनमें से था घनाकार क्रिस्टल। यदि आप घनाकार क्रिस्टल के बारे में जानना चाहते हैं तो वो डिस्क्रिप्शन में लिंक डली है, कृपया आप देख सकते हैं। तो घनाकार क्रिस्टल को उन्हें बताया जैसे समलंबाक्ष भी कहते हैं। ट्रिक बताई थी सम मीन्स बराबर, यदि सम दिया है तो भुजाएं बराबर होंगी, अक्ष दिया है तो तीनों कोण 90° के होंगे। तो जो घनाकार क्रिस्टल था क्या था? घनाकार क्रिस्टल, घनाकार क्रिस्टल में जो यूनिट सेल की तीनों भुजाओं की लंबाइयां थी कैसी थी? बराबर, ए बराबर बी बराबर सी, और तीनों कोण भी कैसे थे? बराबर थे, 90। ठीक, तो जो घनाकार क्रिस्टल में कितनी प्रकार की जालकें संभव हैं? तीन प्रकार की होती हैं। एक होती है सरल, इसी को बोलते हैं अर्ध घनीय जालक, इंग्लिश में बोले तो सिंपल, या इसी को प्रिमिटिव, प्रिमिटिव क्यूबिक लैटिस। और दूसरी जो पहली है, दूसरी होती है कौन सी? अंता केंद्रित, अंता केंद्रित घनीय जालक, घनीय जालक बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस। और तीसरी होती है फलक केंद्रित, फलक केंद्रित घनीय जालक, जालक क्या? फेस सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस। ठीक है, इस प्रकार घनाकार क्रिस्टल में तीन प्रकार की लैटिस संभव हैं, सरल, अंता और फलक। सरल घनी जालक को शॉर्टकट में बोलते हैं SCC, बॉडी सेंटर क्यूबिक सेल को बोलते हैं शॉर्टकट में BCC, और फलक केंद्रित घनी जालक को शॉर्टकट में बोलते हैं FCC। तो क्या घनाकार क्रिस्टल में तीन प्रकार की जालकें होती हैं? SCC, BCC, FCC। ध्यान रखेंगे SCC, BCC, FCC। हम तीनों का अध्ययन करेंगे, FCC, BCC, FCC का, इनकी परिभाषाएं और इनके प्रत्येक यूनिट सेल में माध्य जालक बिंदुओं की संख्या अथवा परमाणु की संख्या। कोई रटने की जरूरत नहीं है, हम इसे प्रैक्टिकल के थ्रू भी बताएंगे और फॉर्मूले में भी बताएंगे। ठीक है, तीन तीन प्रकार से। तो आगे हम अध्ययन करेंगे किसका? SCC का, फिर करेंगे BCC का अध्ययन, फिर करेंगे FCC का अध्ययन। तो जानेंगे क्या SCC क्या होती है, क्या SCC हमारे पास आपको दिखा, ये किसकी डिब्बी है? मार्कर की। ये घन की तरह है, मान सकते हैं। ठीक है, एक यूनिट सेल घनाकार जो सरल घनी जालक है उसकी हमने एक यूनिट सेल ले ली, जो कहती है एक सरल घनी जालक की यूनिट सेल के आठों कोनों पर एक एक परमाणु होता है। दिख रहा होगा इस मार्कर की स्याही में, इस तरफ चार कोने हैं, इस तरफ भी चार कोने हैं। तो कुल मिला के एक घनी सरल घनी जालक के कितने कोने होते हैं? आठ कोने होते हैं एक यूनिट सेल के। ठीक है, तो आठों कोनों पर एक एक जालक बिंदु होता, क्या आठों कोनों पर एक एक जालक बिंदु होता है? तो हमें निकालना है एक यूनिट में माध्य जालक परमाणु की संख्या अथवा जालक बिंदुओं की संख्या। तो एक तो फॉर्मूला याद रखेंगे, फॉर्मूला भी, और इसको प्रैक्टिकली रूप से किस प्रकार से, एक यूनिट सेल में, एक यूनिट सेल में माध्य जालक बिंदुओं, माध्य जालक बिंदुओं की संख्या, या इसी को क्या कहते हैं, परमाणुओं की संख्या। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जी जालक बिंदुओं की संख्या बहुत चीजों में काम आती है। अगर हम अभी पैकिंग डेंसिटी आगे निकालेंगे तो पैकिंग डेंसिटी में भी कैपिटल एन का मान काम आएगा। हम
लेटेस्ट कांस्टेंट का मान निकालेंगे तो उधर भी कैपिटल एन का मान काम आएगा। हम लेटेस्ट फंड पैकिंग डेंसिटी मतलब कहने का लग जो लेटेस्ट फंड नंबर ऑफ लेटेस्ट फंड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तुम एक यूनिट सेल में माध्य परमाणु की संख्या माध्य जालक बिंदु की संख्या या परमाणु की संख्या का फॉर्मूला कैपिटल एन बराबर होता है एक बटे आठ गुणे में एन सी प्लस एक बटे दो गुणे एन एफ प्लस एक बटे दो एन जैसे केंद्र केंद्र पर ठीक प्लस जे कल प्लस एन केंद्र। इस प्रकार में फॉर्मूला एन बराबर कैपिटल एन बराबर होता है एक बटे आठ गुणे एन सी प्लस एक बटे दो गुणे एन एफ प्लस एन केंद्र। ठीक है, एन सी का मतलब है सी मीन्स कॉर्नर। क्या सी मीन्स क्या होता है कॉर्नर कोने पर स्थित जालक बिंदुओं की संख्या। एन एफ का मतलब फेस फलक फेस मीन्स क्या होता है फलक फलक पर उपस्थित बिंदुओं की संख्या जालक बिंदुओं की संख्या एन और केंद्र पर स्थित जालक बिंदुओं की संख्या। तो हम पहला किसका अध्ययन करना है एस सी सी का बताया था जो एस सी सी जालक होता है उसकी प्रत्येक यूनिट सेल में कितने कोने होते हैं आठ कोने। इन आठों कोनों पर एक एक जालक बिंदु होता क्या एक एक जालक बिंदु होता है और ना तो फलक में होता ना तो केंद्र में होता है। तो हम एक यूनिट सेल में मात्र जालक बिंदुओं की संख्या अथवा परमाणु की संख्या निकालेंगे इस फॉर्मूले में रखकर। क्या कैपिटल एन बराबर एक बटे आठ। हाँ जी बताओ जब एक यूनिट सेल में आठ कोने हैं आठों कोनों पर एक एक जालक बिंदु है तो कुल जालक बिंदु कितने होंगे एक यूनिट सेल में आठ। हमें निकालना है एक यूनिट सेल में माध्य जालक बिंदुओं की संख्या आठ जालक बिंदु हैं और फेस पर कितने हैं जीरो केंद्र पर भी जीरो तो मान निकालेंगे कितना आ जाएगा एक। एस सी सी में माध्य जालक बिंदुओं की संख्या कितनी होती है एक। अब कहो जी फॉर्मूले में एक बटे आठ कहाँ से आ गया हमारे पास मान लो कोई यूनिट सेल है क्या है यूनिट सेल है यूनिट सेल का जी आपको कोना दिख रहा होगा क्या कोना दिख रहा होगा कहने का मतलब एक मिठाई का पीस है उसे बराबर आठ लोगों में बांटना अगर बराबर बांटा जाए तो प्रत्येक व्यक्ति को उस मिठाई का एक बटे आठवां भाग प्राप्त होगा वही बात है यूनिट सेल है। ठीक है यूनिट सेल में कोना है अगर इस पे एक परमाणु रखा है जालक बिंदु रखा है इस जालक बिंदु की इस यूनिट सेल में कितना भाग शेयर है। ठीक है मतलब इस यूनिट सेल के साथ इस जालक बिंदु का कितना भाग शेयर हो रहा है। ठीक है तो इस यूनिट सेल के बगल में हम दूसरी यूनिट सेल रख सकते हैं। ठीक है और इस यूनिट सेल के बगल में इस प्रकार इसी बिंदु की जालक बिंदु की जे तीसरी और अगर चौथी रखें तो इस प्रकार से इस बिंदु की चार और बनेगी। ठीक है और इस बिंदु देख रहा इस बिंदु के ऊपर भी तो चार रख सकती हैं तो इस बिंदु के ऊपर भी हमने क्या रख दी चार इस प्रकार से। ठीक है बिंदु इधर इधर था मतलब इस बीच का जो जालक बिंदु था परमाणु था उसकी अगर प्रत्येक कितनी है मार्कर की डिब्बी आठ मतलब उस परमाणु की अगर एक डिब्बी के साथ जब आठ है एक परमाणु को आठ हम मार्कर की डिब्बी में बांट रहे अगर एक डिब्बी को कितना मिलेगा एक परमाणु एक बटे आठ भाग इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि जो कोने पर जालक बिंदु होता है उसकी प्रत्येक यूनिट सेल के साथ एक बटे आठ भाग सेल होता है। हमने इस प्रकार से किसको जाना एस सी सी को तो एस सी सी में एक यूनिट सेल में मात्र जालक बिंदुओं की संख्या कितनी होती है एक होती है। अब किसको पढ़ेंगे बी सी सी को दूसरी होती है बी सी सी बॉडी सेंटर क्यूबिक लैटिस जो बॉडी सेंटर क्यूबिक लैटिस में एक यूनिट सेल होता है उसके कोनों पर तो एक एक आठों कोनों में से प्रत्येक कोने पर तो एक एक जालक बिंदु होता है लेकिन इसके अतिरिक्त घन में है यूनिट सेल में कितने फलक होते हैं छह उन छह फलक में से प्रत्येक फलक पर एक एक जालक बिंदु जो एफसीसी में हम सॉरी वो एफसीसी में होता है हम बीसीसी की बात कर रहे हैं मतलब बीसीसी की जो प्रत्येक यूनिट सेल के कोनों पर तो एक एक जालक बिंदु होता है लेकिन उसके अतिरिक्त जो यूनिट सेल का केंद्र होता है उसमें भी क्या होता है जालक बिंदु होता है। हमारे पास जो यूनिट सेल है क्या है यूनिट सेल इसके कोनों पर तो एक एक जालक बिंदु होगा लेकिन इसके अंदर एक केंद्र है उस केंद्र पर भी क्या होगा एक जालक बिंदु होगा। ठीक है तो n बराबर एक बटे आठ जालक बिंदु कोने पर आठ है तो आठ और फलक पर क्या नहीं है एक भी नहीं है तो जीरो और केंद्र पर एक है अगर निकाल लें तो कितना आ जाएगा दो।
जो बीसीसी के एक इनर सेल में माध्य जालक बिंदुओं की संख्या कितनी निकल के आई? 2 निकल के आई। ठीक है, हम 1/8 में भाग सेरिंग बता चुके हैं। मान लो इस यूनिट सेल के केंद्र पर था, ठीक है, अब इस इनर सेल के अंदर है, अब इसके अंदर से कोई छुड़ा के सिले जाएगा, कहने का वो परमाणु इसका खुद यूनिट सेल का है, वो किसी को सेयर नहीं हो रहा, इसलिए क्या +1। ठीक है, हमने बीसीसी में जाना, बीसीसी में जालक माध्य जालक बिंदुओं की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। कितनी होती है? 2 होती है। तो अब जानेंगे किसको? एफसीसी को। क्या एफसीसी को जानेंगे? तो जो एफसीसी होती है, फेस सेंटर क्यूबिक लैटिस, फेस सेंटर फलक केंद्रित जालक में प्रत्येक यूनिट सेल में 8 जो कोने होते हैं, 8 कोनों पर, तो एक एक 8 कोनों में से प्रत्येक जालक बिंदु पर एक एक, प्रत्येक कोने में से 8 कोने में से प्रत्येक कोने पर तो एक एक जालक बिंदु होता है, लेकिन इसके अतिरिक्त उसके फलकों 6 फलकों में से प्रत्येक कोने पर एक एक जालक बिंदु था। देख रहा इस मार्क की डिब में कितने फलक हैं? 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इन 6 फलकों में भी उपस्थित होता है, लेकिन इसके केंद्र पर कोई जालक बिंदु उपस्थित नहीं होता है। इस फॉर्मूले में रख देंगे क्या, n बराबर में 1/8 गुणा कितना 8 +1/2, और फलक कितने होते हैं? 6, और केंद्र पर क्या नहीं है? 1 भी नहीं है। हल करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1 + 3, हल करेंगे तो 4। तो FCC में एक यूनिट सेल में माध्य जालक बिंदु परमाणु की संख्या कितनी होती है? 4। अब कहो जी फलक में 1/2 सेरिंग कैसी आ गई? मान लो जी हमारे पास एक यूनिट सेल है, इस यूनिट सेल में एक इधर जालक बिंदु है, इधर, ठीक, इधर जालक बिंदु है, इस यूनिट सेल के बगल में एक जे वाली यूनिट सेल हो सकती है। अब इस बगल में तो होगी तो, लेकिन इस बिंदु का इसके साथ कोई रिश्ता नहीं है, केवल इस बिंदु से दूसरी यूनिट सेल टच हो रही है, तीसरी नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच दब जाएगा, इसलिए इस बिंदु का इन दोनों यूनिट सेलों के साथ तो सेरेंगे, आधा परमाणु इसका है, आधा इसका है। ठीक है, इसलिए जो फलक पर परमाणु होता है उस प्रत्येक यूनिट सेल के साथ उस परमाणु का आधा भाग शेयर रहता है, मतलब आधा इसका परमाणु, आधा इसका परमाणु। ठीक है, एक मिठाई का पीस बीच में रखा, दो लोगों को बांटना, तो आधा इसको दे दो, आधा इसको दे दो, वही मैंने किया है। ठीक है, हम इसके शॉर्टकट में किस प्रकार से याद कर सकते हैं? अगर याद करना हो ट्रिक, ठीक, किस प्रकार से याद करें? हमें याद करना है 124/SSBF। ठीक है, क्या SBF? ठीक है, क्या 124/SSBF? हिंदी में याद करना हो तो सावित्री बाई फुले, क्या सावित्री बाई फुले, क्या याद कर सकते हैं? सावित्री बाई फुले, कहने का मतलब जो सावित्री बाई फुले का कोड कितना है? 124। ऐसे सावित्री एससीसी का जो माध्य जालक बिंदु संख्या है बाई से बी, बीसीसी में 2 होती है, और एफ से फुले, फुले में कितनी है? 4। इस प्रकार से हमने किसको जाना? माध्य जालक बिंदुओं की संख्या को निकाला एससीसी में, बीसीसी में, एफसीसी में। ठीक है, आगे वाले वीडियो में हम इनके एग्जांपल हैं, जो जैसे मान लो जो एससीसी होता, क्या एससीसी जो एससीसी का एग्जांपल है, एससीसी लैटिस है। ठीक है, जो एससीसी का लैटिस होता है सीजियम क्लोराइड एग्जांपल, इनका आगे स्ट्रक्चर की व्याख्या करेंगे। जो बीसीसी होता है, बीसीसी का अल्फा आयरन होता, क्या अल्फा आयरन, और एफसीसी का NaCl, NaCl की संरचना FCC होती है। पेपर में जो बहुत ज़्यादा पूछी जाती है NaCl की FCC संरचना, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। यदि मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन को दबाएं, जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सकें, और मेरे वीडियो में कमेंट भी दीजिए। धन्यवाद।